जब जब मोस्ट पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ही अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य जी का भी नाम आएगा ही आएगा, जिन्होंने इस शो में गोपी बहू की सीधी साथी और सिंपल भूमिका निभाकर उस किरदार को घर घर में मशहूर किया। इस शो को हर किसी का फेवरेट बना दिया। शो में इन्होंने इतनी दमदार अदाकारी दिखाई थी कि आज भी देवोलीना भट्टाचार्य जी अपने इसी शो से काफी ज्यादा मशहूर हैं, जिन्हें आज शो खत्म होने के बाद भी दर्शक वही प्यार देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस मल्टी टैलेंटेड अदाकारा के बारे में तो ज्यादातर बातें जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप इनकी रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानते हैं कि इनकी फैमिली में कौन कौन है, वो सभी क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इनके फैमिली से रूबरू करवाने वाले हैं। तो फिर देर न करते हुए जल्दी से बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस दमदार अदाकारा के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ निभाना साथिया में गोपी की मुख्य भूमिका निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य का जन्म बंगाल के एक पंडित यानी कि ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसके चलते इन परिवार में इन्हें कुल मिलाकर चार लोग हैं, जिनमें ये खुद हैं, इनके माता पिता और एक भाई शामिल है। बात करें इनके इसी परिवार के बारे में तो इनके परिवार की शुरुआत होती है इनके घर के मुख्य सदस्य यानी कि इनके पिता से, जो काफी सालों पहले ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके पिता पेशे से एक ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में कार्यरत थे और अपने जीवन में काफी सफल थे। फादर के बाद अब बात कर लेते हैं इनकी मम्मी के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इनकी मम्मी का नाम अनिमा भट्टाचार्य है, जो कि आज तो एक हाउसवाइफ के रूप में एक गृहस्थी को संभाल रही हैं। लेकिन इनके पिता के जाने के कुछ सालों बाद इनकी मम्मी ने काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते अपनी मदर के काफी ज्यादा क्लोज्ड हैं, उनसे काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती हैं, जो कि इनकी तस्वीरों में भी साफ साफ देखा जा रहा होगा। माता पिता की बात कर लेते हैं इनके भाई अनदीप भट्टाचार्य के बारे में, जो कि देवोलीना के भाई उम्र में उनसे छोटे हैं, लेकिन पेशे से बिजनेसमैन हैं और अपने करियर में काफी सफल हैं। आपको बताते चले कि इन दोनों भाई बहन में अपने करियर में बिजी रहने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ काफी अच्छा बॉन्ड और रिश्ता शेयर करते हैं, जो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरों के जरिए शेयर करते रहते हैं अपना प्यार, और जो कि साफ तौर पर आप देख ही पा रहे होंगे। इनके इस परिवार के बाद बात कर लेते हैं इनके अफेयर्स के बारे में। तो बता दें कि इनके करियर की शुरुआत ही देवोलीना भट्टाचार्य का नाम विशाल सिंह के सामने जुड़ता आया है, जो कि सीरियल में साथ काम करने के दौरान असल जिंदगी में भी एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। यही नहीं, बल्कि सीरियल के खत्म होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ लिंकअप की खबरों को लेकर काफी सुर्खियों में थे और खबरें थी कि दोनों जल्द ही एक दूसरे का हाथ भी थामने वाले हैं। लेकिन अपने रिश्तों को लेकर इन दोनों में कभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, जिसके चलते विशाल सिंह को इसका रूमर बॉयफ्रेंड ही माना जाता है। अब अंत में बात कर लेते हैं इनकी पसंद और नापसंद के बारे में। तो आपको बताते चलें कि देवोलीना भट्टाचार्य की फेवरेट एक्ट्रेस रवीना टंडन हैं, जिन्हें अपना इंस्पिरेशन और आइडियल मानती हैं। देवोलीना भट्टाचार्य ये बताती हैं कि उन्होंने हमेशा से ही रवीना टंडन को देखकर ही एक्टिंग की है, जिसके चलते रवीना इनके लिए काफी ज्यादा खास हैं। वहीं ये बताती हैं कि रवीना टंडन खूबसूरती में भी नहीं बल्कि एक्टिंग और अपनी स्किल्स के मामले में भी हर एक अभिनेत्री को काफी ज्यादा पीछे छोड़ देती हैं। साथ ही साथ वो इसी तरह से अपने साथ डाउन टू अर्थ बिहेवियर भी रखती हैं, तो वो इनको काफी ज्यादा अपना फैन बनाती हैं। फेवरेट एक्ट्रेस के बाद बात कर लेते हैं इनके फेवरेट सिंगर की, जो कोई और नहीं बल्कि शान हैं। जी हाँ, देवोलीना भट्टाचार्य जी बॉलीवुड के मशहूर सिंगर शान की सिंगिंग की काफी बड़ी फैन हैं। इन्हें उनकी आवाज काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए ये पूरे दिन बस उनका एक ना एक गाना तो जरूर सुनती हैं, जिसे सुनने के बाद ये अपने पूरे दिन की थकावट भूल जाती हैं और काफी अच्छा महसूस करने लगती हैं। तो दोस्तों, आपको अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य जी की फैमिली के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें अपने राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। साथ ही साथ ऐसी और दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।